सवाल जवाब जवाब सवाल करियर का हिसाब किताब कॉलेज एजुकेशन की बातें यूपीएस प्रेजेंट्स कॉलेज चले हम यस दिस इज यूपीएस प्रेजेंट्स कॉलेज चले हम इस बारी का टॉपिक है मीडिया इंडस्ट्री एंड मीडिया कोर्सेज आज हमारे साथ है यूपीएस -E की तरफ से एक एक्सपर्ट बेसिकली एन अवार्ड विनिंग सोशल साइंटिस्ट जर्नलिस्ट एंड ऑथर इंडियन डिजिटल प्रिंट एंड टीवी न्यूज कंपनीज

तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है सेकंड इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा अब ये हो गया कि आपका कंटेंट लोगों को मिलेगा कैसे इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल थर्ड इज मल्टीमीडिया ऑडियो पॉडकास्ट वीडियो ट्रू वो बनाना true. जो है दैट इज न्यू स्किल सेट इट इज नॉट द सेम इज मेकिंग द सेम कंटेंट फॉर टीवी आई थिंक बिग डेटा हैंडलिंग एंड वर्किंग विद बिग डेटा डेटा बेस्ड स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और डिजिटल मार्केटिंग जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है आज के डेट में सो पोस्ट कोविड सिनारियो में इसकी डिमांड और बढ़ गई है बिल्कुल बढ़ गई है और ये रहेगी क्योंकि हिंदुस्तान yeah. में जो डेटा uh, कंजम्प्शन है बारह जीबी पर मंथ है एवरेज विच इज मोर देन द डेटा कंजम्ड इन दू एस एंड इन यूरोप जो एट जीबी पर मंथ के आसपास है आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो एकता अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप इतने टाइम से एजुकेशन फील्ड में हैं और इतने रिनाउंड मीडिया हाउसेस के साथ आप काम कर चुके हैं इतने टाइम में यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वे एजुकेशन एंड मीडिया प्रिसाइसली इज चेंजिंग सो ऐसे में हाउ डू यू एंश्योर दैट यू स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया रिमेन्स अपडेटेड एंड रेलिवेंट मीडिया में क्या होता है कि आज जो आप सीखते हैं वो छह महीने में पुराना हो जाता है हम आपको वो सिखा रहे हैं जो आज हो रहा है और जो बेस्ट लोग हैं इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में काम अभी भी कर रहे हैं और साथ में आके अपने टाइम में सिखा रहे हैं hmm. पहली चीज तो ये और दूसरा आप सिर्फ किताबी चीज नहीं सीख रहे हैं आप एक्चुअली hmm. प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें तो आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा है True. और आप उनके साथ ही काम कर रहे हैं विद द बेस्ट ब्रांड्स इन द द इन कंट्री सो आवर अप्रोच यू क्रिएट प्रोडक्ट अगर आपको रेडियो में जाना है तो hmm. आप रेडियो स्टेशन चलाए हमारे साथ hmm. Hmm. अगर आप टीवी में काम करना है तो आप वीडियोज बनाएंगे यू विल वर्क ऑन इट जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे और फेल नहीं होंगे और फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक आप कभी नहीं समझेंगे कैसे करना है वेल सेड आई थिंक मतलब ऐसा सुन के तो मेरा खुद भी मन हो रहा है कि एक बार दोबारा से कॉलेज में अगर एडमिशन होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली लर्न अलॉट फ्रॉम दिस कॉलेज